साथ और दोनों की उसमें मौत हो गई है। अब असद के शव को अतीक के घर पर लाया जाएगा जहां से उसे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा दफनाने के लिए। यहां पर आप देखिए घर पर मौजूद हैं और काफी संख्या में लोग जो है यहां पर इकट्ठा हो रखे हैं उसके जनाजे में शामिल होने के लिए। कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जिनको तोड़ा जा रहा है और ये कानून जुर्म है। शाहजा साहब ये बताइए कि यहाँ लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं कानून न्याय है और न हम लोगों से उतना कोई वो रहता है, लेकिन हाँ पड़ोसी के नाते भाई आप जहाँ भी रहते हैं सब एक रहता है फैसला लेना चाहिए जनाजे में। मतलब उनका ये कहना है कि उसने गलत किया या है गलत उसके लिए भी जो सही किया उसके लिए भी कोर्ट फैसला करता है, लेकिन यहाँ तो अपने आप सब कुछ हो जाता है तो अब क्या कहा जाए हिंदुस्तान के बारे में। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं जो अतीक के पड़ोसी हैं जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? हम तो इतना कहना चाहते हैं कि मुसलमान को परेशान किया जा रहा है और किसी कैंडिडेट का नाम है मत लीजिए कौन किसके साथ क्या हो रहा है। सिर्फ मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, उसके साथ इनकाउंटर हो रहा है, उसी का मकान तोड़ा जा रहा है। देखिए ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई नहीं और ये सिर्फ इनको वोट लेना है, यहाँ पर वोट भेजता है जब तक सरकार चलती रहे चलाते रहे बस और कुछ नहीं करना इसके अलावा। बाकी जितना काउंटर कर रहा हो कर ले, इससे कुछ मतलब हासिल इनको होना नहीं है। और जानना चाह रहा हूँ कि जो अपराधी है उस पर क्या अपराधी कै साल का था? 20 साल का अपराधी गोली चलाते अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।